दोस्तों ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाए हैं और इसी के साथ साथ ईशान किशन बन गए हैं चौथा बैट्समैन जिन्होंने की इंडिया की ओर से डबल सेंचुरी किए हैं वनडे इंटरनेशनल मैच में। और टॉप रन गेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईशान किशन हो गए हैं छठे नंबर पे। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा इंडिया के उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने रन बनाए हैं 200 से ऊपर वनडे इंटरनेशनल में और किन्होंने कितना रन बनाया। दोस्तों आप सुन के चौंक जाएंगे, एक अकेले बैट्समैन ने 300 बनाए हैं और वो भी इसी बांग्लादेश सीरीज में खेल रहे हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला नाम जो आता है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, 2010 साल में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन नॉट आउट बनाए थे और यही था पहले बार के लिए 200 रन वनडे इंटरनेशनल में। 147 गेंदों में 200 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर। इसके बाद 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने बनाए 219 रन। जी हाँ दोस्तों, 19 रन बनाकर आउट हो गए थे वे। 149 गेंदों में 219 रन बनाए थे 25 चौका और 7 छक्के की मदद से। दोस्तों इसके बाद 23 नंबर पे है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कुल 3 दोहरा शतक लगाए थे। 2013 में 209 बनाकर आउट हो गए थे, 2014 साल में 264 बनाकर आउट हुए थे और वो हाईएस्ट रन वाला इनिंग्स था रोहित शर्मा और किसी भी वनडे इंटरनेशनल में किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए। और इसके बाद 2017 में 208 बनाकर नाबाद रहे थे। 2 श्रीलंका के खिलाफ और 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे रोहित शर्मा ये डबल सेंचुरी। और ईशान किशन ने 210 रन बनाकर आउट हो गए 2022 साल का ये बात दिया। दोस्तों 5 साल बाद फिर से इंडिया ने देखा 200 रन वनडे इंटरनेशनल्स में और देखेगा अभी कैसे, बीच में था कोविड और ओडीआई मैच तो बहुत कम होता क्योंकि T20 मैच अभी ज्यादा खेला जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट ईशान किशन का ही है, सिर्फ 131 गेंदों में 210 रन बनाए थे ईशान किशन। और ईशान किशन अकेले ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने की ओवरसीज में 200 रन बनाए हैं और बाकी सभी इंडियन बैट्समैन इंडिया पे ही बनाए थे। तो दोस्तों इन सबके बारे में आपको पता था यानी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको कमेंट का।